हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पर्धा ज्ञान। आज हम एक टॉपिक देख रहे हैं, बहुत ही प्रचलित नाम है, हर कोई इस नाम को जानता है, बट बहुत कम लोग इसके एक्चुअल वर्किंग को जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये मॉडर्न जो है वो क्या होता है, इसे थोड़ा क्लियर करते हैं, ठीक है। देखिए, मॉडर्न शब्द जो है आपने जनरली इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, इन सब के केस में सुना होगा। यानी अगर आपको घर में इंटरनेट सर्विस लगवानी है तो मॉडर्न का होना बहुत जरूरी रहेगा, ठीक है। अब मॉडर्न जो बना हुआ है वो बना है दो शब्द से मिलके, एमओ एंड डेम। इस एमओ का मतलब है मॉड्यूलेटर और इस डेम का मतलब है डीमॉड्यूलेटर। फिलहाल ये याद रखो, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर यानी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन जो डिवाइस करता है उसे मॉडेम कहा जाता है। यार फर्ज करो कि ये आप हो और आपका फोन है, ये ए का फोन, और आपने फोन किया है अपने दोस्त को बी। फोन किया है या फिर आप चैटिंग कर रहे हो, जो भी समझना हो समझो, ठीक है। तो अब देखिए, ये आप हैं, ये आपका फ्रेंड है। आपने जब कुछ बोला तो ये जो गया, ये गया एनालॉग फॉर्म में। मशीन जो है वो क्या समझती है, डिजिटल फॉर्म। तो यहां पे मॉडर्न जो लगता वही डिवाइस जो हम पढ़ रहे हैं, मॉडर्न क्या करेगा, आपके द्वारा बताई हुई बात को वो करेगा कन्वर्ट किसमें, एनालॉग टू डिजिटल, ताकि ये आगे प्रोसेस कर सके, ठीक है। अब ये जब भेजेगा इधर यानी मीडियम पे, ट्रांसमिशन मीडियम, जहां से होके वो दूसरे के पास पहुंचेगी, यहां जब पहुंचेगी वो तो किस फॉर्म में जाना चाहिए, एनालॉग फॉर्म में, क्योंकि एनालॉग फॉर्म में ट्रैवल कर सकती। जो ट्रैवल ट्रांसमिशन मीडिया जो है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का जो माध्यम है वो एनालॉग को सपोर्ट करता है, डिजिटल डेटा उसमें नहीं जाएगा। तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, डिजिटल टू एनालॉग होगा और ये एनालॉग वेव्स के फॉर्म में जाएगा इसके पास, या एनालॉग ट्रैवल कर रहा है। जब बोला गया तो फोन तक पहुंचा एनालॉग फॉर्म में, ठीक है, फोन के मॉडेम ने कन्वर्ट किया एनालॉग को डिजिटल में, ताकि फोन उसे समझ सके कि उसे भेजना है, उसे प्रोसेस कर सके। अब फोन उसको भेजने से पहले एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, क्यों, क्योंकि जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो डिजिटल को कैरी नहीं करता, वो एनालॉग को समझता है, ठीक है। तो अगेन यहां पे मॉडर्न ने काम किया, तो अब वो एनालॉग चीज ट्रेवल होके पहुंची यहां पर। अब सेम वाइस वर्सा जो है वो उधर यहां पे होगा, यहां क्या हो जाएगा, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल इसको मिल गया मशीन को, अब ये मशीन पहुंचाएगी रिसीवर तक किस फॉर्म में, डिजिटल को फिर एनालॉग में कन्वर्ट कर दे, डिजिटल टू एनालॉग यहां पहुंचेगा। अब ये जो एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग चीज हुई है, यहां पे मॉडर्न का क्या लेना देना है ये देखते हैं। जैसा कि हमने देखा कि ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर पार्ट होता है, तो मॉडर्न का मॉड्यूलेटर पार्ट जो है, मॉड्यूलेटर पार्ट क्या करता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, याद रखो कि मॉडर्न का मॉड्यूलेटर पार्ट जो है वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करता है, मतलब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यानी ये कहां पे काम करेगा, जब मशीन से कोई चीज ट्रांसमिशन मीडिया में जा रही है, ये आपका मशीन है, और आप जब भेज रहे हो कोई चीज, या तो वो केबल के थ्रू जा सकती है या तो फिर वो वेव्स के थ्रू जा सकती है, यानी अनगाइडेड मीडियम के द्वारा। तो वो जो मीडियम के थ्रू जब जाएगी तो वो जाएगी एनालॉग फॉर्म में, और जब वो यहां पे थी मशीन में तो थी डिजिटल फॉर्म में। मतलब यहां पे कौन सा पार्ट काम किया मॉडर्न का, मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर पार्ट काम किया, ये फिक्स कर लो दिमाग में, क्लियर हो गई है आपको ये चीज, ठीक है। जब कोई चीज मशीन से दूसरी जगह जा रही है ट्रेवल करके किसी माध्यम के द्वारा, तो वो है वहां पे क्या हुआ है, मॉड्यूलेशन हुआ है, वहां पे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन हुआ है। और जब वो चीज यहां पहुंचेगी तो क्या वर्क करेगा, डीमॉड्यूलेटर, क्यों, क्योंकि आपकी मशीन समझती है डिजिटल भाषा को, और यहां से जो आ रहा है वो है एनालॉग, ठीक है। तो
तो ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होगा, यहाँ पे वर्क करेगा डीमॉड्यूलेटर, यहाँ पे आपका डीमॉड्यूलेटर वर्क करेगा। तो मॉड्यूल का काम ये होता है एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, यही आपको इंटरनेट और डेटा को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। फ्रेंड्स, कंफ्यूजन हो सकता है आपको याद करने में कि कौन सा पार्ट कौन सा कन्वर्जन करता है, तो आप एक चीज याद रखो, मोदक, गणपति बप्पा का मोदक, मॉड्यूलेटर क्या करता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, ठीक है, ये मोदक याद रखो, बाकी डीमॉड्यूलेटर तो फिर उल्टा ही करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये है मॉडर्न, मॉडर्न कुछ इस तरीके से वर्क करता है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक देखेंगे, टिल देन बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप नए हैं। थैंक यू।